Importance of volunteers a charitable trust ya face mano godnichi kacha ke jo ye UKF umar khan foundation jo is waqt annual program bana rahi hai to mujhe lagta hai hum sab ki taraf se inke liye mubarakbad hai bismillahir rahmanir rahim wa qala allah taala fi kalamil kareem wal furqanil hamid يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله وقال الله تعالى في كلام مجيد فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم تمنى درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की नहीं मिलता है ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। वाजिबुल एहतराम शबीर अहमद शाह साहब, मुफ्ती साहब, उमर खान फाउंडेशन के जिम्मेदारान, विजन स्कूल के सरबराहान, सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मखलूकात ये एक खालिक खालिक की तकलीक है। एक खालिक ने सबसे ज्यादा फख्र किया है इंसान को तकलीक करने। इंसान को पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज किया कि मैं दुनिया में इंसान को पैदा करके उसे ऐसे काम ले लूंगा जो प्राइड होंगे, जो फख्र होगा, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला कुल कायनात की खालिक है। इसको इसके पीछे रखा, दरअसल उसको माल अटा किया, इसलिए ये ज्यादा मजबूर हो गया। जिसको साहिब दौलत बनाया
ये ज्यादा मजबूर हो गया अगर ये अच्छी तरह से देख ले, अगर इसको ये समझ आ जाए कि मैं क्यों मजबूर हूं। इस पर इनायत की अल्लाह ने, इसको माल दिया अल्लाह ने, लेकिन मजबूर क्यों है? ये मजबूर इसलिए है कि इसका हमसाया फाकर कशी में मुब्तला है। तवज्जा उस मालदार, उस साहिब दौलत की तवज्जा उसकी तरफ नहीं गई तो समझो ये अजाब का शिकार, इसका दूसरा दुनिया जो है ये उसके लिए बर्बाद हो गया। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा वला अलैहि व असहाबिही अजमईन अम्मा बाद। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا آمنت بالله صدق الله مولانا رسول مجلسی دی قبولیت کے خاطر کرو آج پھر سیرے درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی जिम्मेदारान उमर खान फाउंडेशन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। काकुन अल्लाह जल्ल शानु सिंदिस बारगाहस मंज कबूल करनान खातिर छु त्रेन चीजन हुंद आसन जरूरी। गोडनिश कुन ये कुन गश गोड हक आसन, ना हक सुन अल्लाह जल्ल शानु शरफ कबूलियत बख्शन की जी गम हक आसन पत गई तम काम हूँ तरीका कार ते हक आसन। मसलन नमाज से हक, अगर गोड सजद दमो पत रुको करो पत क्याम करो नमाज गया कबूल, या दयो बद ते सजद दमो अगर न सजद सहब करो नमाज यो कुछ दिन दे क्या जी फरुक से सोरी मगर उस तरीक से हयत गए तथ तरीक कर थप की लिहाजा चुन अल्लाह जल्ल शानु ब्रो कहीं अत का शर्फ कबूलियत अता गसन की। और एमी चीज इच सानि निमन यमते समाजस मस पूरी किस्म खर खई हस कम मासन करना कम ची हक, लेकिन अक चीज इच हमेशा कोते ही गसन के तरीका कारस मस कोते ही गसन क्यों तम सानि कार करदगी हूं ताल्लुक छो सह गुत ये पम्फलेटस मे शाया कर्मुत थोड़ा बहुत वन बस कर कोशिश खास तौर यम सा कुस अंदर ये हालात थोड़ा खराब गई तम पे जरूरत तम पुस कोविड मामल गो तम पे जरूरत तो अल्लाह ताला थो इज्जत तुहद दुआ खर सुह तुह तावन स हर कंस पे मकदूर अस मदद तो अस कर कोशिश सू तुद तावन तमन तम वातानस यहां अम जरूरत बुजुर्गन हूं रूद दुआ खास तौर मुफ्ती निसार सबुन यमो कर् हर वक्त मदद अत मो हो वत यमो कर् सान खुद अल्लाह ताला दुआ कामयाब।